हेलो फ्रेंड, द किल बंडल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हनुमान मूवी से सीन्स पे रिएक्शन दे रहे हैं। लास्ट का सीन में हनुमान हनुमंत को पावर आ चुका था और कुछ कॉमेडी सीन्स हमको देखने मिला। हीरोइन अभी मार नहीं रही है तो वो अच्छा कॉमेडी हुआ था मेरे हिसाब से। अभी भी और कुछ कुछ कॉमेडी सीन और कुछ जो पावर मिला है उससे कुछ और भी सीन्स हमको शायद देखने मिल सकता है। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं, हनुमान मूवी से एक और सीन ये देखते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। चमकती हुई चीज देखी क्या? लेकर आओ क्या? कोयला जल रहा। यही क्या पेगा पाना? दिला ते है आपरा घर डाबरा। जय महेश्वरी, जय बजरंगबली, जय जानकी नायका। अरे जानकी नायक है। इस शक्ति का रहस्य आज पता करके ही रहूंगा मैं। माँ सुन ले, माँ मेरी पुकार तू सुन ले, माँ प्रकट हो, माँ मेरा जीवन तेरे हाथों में है, माँ दर्शन दे, माँ। इसकी बहन है। मुझे लगा तो दुर्गा माँ के आशीर्वाद से ठीक हो गया, पर तू यहाँ जादू टोना कर रहा है। क्या लाया? नहीं नहीं मार मत। जब रजवाई के बाद देखी थी तभी शक हो गया था मुझे। एक बार शक्ति दी थी तो उसे वापस लेने की क्या जरूरत थी? मीनाक्षी के सामने मेरी नाक कटा दी। पहले तो वो मुझे सिर्फ चोर समझा करती थी, पर आपकी वजह से मक्कार समझने लगी है। मेरी लाइफ बनने से पहले क्यों बिगाड़ दी मणि जी, क्यों बिगाड़ दी? सुबह वही सो गया। अभी कुछ आएगा नहीं। सन है। चमक रहा है देख रहा। उसको समझ आ गया कि कब आ रहा पावर है ना। मेरे दिन में आ रहा है। हमने जिसको दिल दिया वो है हमरी भैंसिया। कहती हो तुम जितना चारा दूध नहीं देती हो उतना सारा। ये है हमरी भैंसिया। आ गया पकाने। मुझे ये मणि मिली है, मामूली नहीं है। कोहिनूर मिल गया ना तुझे जो तो मारूंगा नाटक किया तो फिर। इसमें ना जादू शक्ति है, इसी ने तो मुझे चलता फिरता बनाया और ताकत और भी है, जैसे शक्तिमान है और सुपरमैन है। हम क्या पुरबत दिखते हैं? चौथी क्लास तक पढ़े हैं, फालतू की गोली मत दो। चौथी क्लास तक यकीन नहीं है। तो बाहुबली का बाहुबली का इसमें क्या बड़ा बात है? अपने बाहुबली ने भी शिवलिंग उठा लिया था, तूने क्या उखाड़ा? ये तो दिए है मूवी अतड़ू है ना। अतड़ू हाँ, अतड़ू भाई का वो मारता है वाला वाला बस इन तबीरा में भाग जाते हैं। करट करट अतड़ू ये ऐसे को लड़के लग रहे थे। महेश बाबू का स्टाइल है बहुत। ये तूने क्या उखाड़ लिया? पूरा ट्रिब्यूट हो रहा है इसका। हां ओके, पवन मैं पवन के लिए जलसा क्या? ये क्या किया? मिथुंदा नहीं फोन कर लिया। हाँ ये हेलो अरे मेरे भाई, सुपर हीरो यही सब तो करते हैं, लेकिन अपने हीरो लोग हर फिल्म में यही करते हैं। देखो भैया, अगर तुम हमको विश्वास दिलाना चाहते हो कि तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है तो ये सब नहीं चलेगा। अपना लेवल बढ़ाना होगा। बढ़ा सकते हो क्या इससे भी ज्यादा? अरे हम तो रजनी जी के भक्त हैं, सुपरस्टार। कुछ भी पॉसिबल है। तुम बताओ तुम रोक पाओगे? ट्रेन रोकना होगा।
कड़ा भी है। हनुमान जिद मत कर, चल यहाँ से, ये सब सिनेमा में होता है, तुमको कुछ हो गया दीदी हमको मार डालेगी। अरे हट जा बात मान। दीदी हट जाए लग रहा है। चुप चुप करते आ रही है। जय रजनी देवा, मुझे शक्ति देना। जय रजनी देवा। ये बालकृष्ण जी का कहीं पे था है, मुझे ऐसा लग रहा है। हां डर गया। कोई नहीं, 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 ठीक हो गया भाई। कुछ हुआ नहीं इसको? हनुमान ट्रेन से टकरा के भी कुछ नहीं हुआ। अब यकीन हुआ तुझे? पर तू तो सचमुच का सुपर हीरो है, रजनी जी को भी टक्कर दे सकता है। अरे नहीं नहीं, उनको कौन टक्कर देगा। जय रजनी देवा, जय रजनी देवा। गुडेश्वर राव की सुपर मार्केट चिड़िया देख। कितनी बार कहोगे, तेरा घोसला नहीं है, दो बार गद्दा कर चुकी है। फिर आया तो माता हूँ, सब शैंपू में जाता है। कैसे भैया, सब ठीक ठाक? जरा केला खिलाना। चल हाँ केला चोर। मुझे डर आ रहा है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। इसकी नजर कहाँ है? सोने की चेन, बहुत चेन देख रहा है। देख देख चेन देख, इसी से धापा होगा। तो मैं धापूंगा। ओके डाल ले। ये ले। चुना लग रहा है मुझे, छोड़ूंगा। स्कूल के बाद चलेगा? ठीक है दीदी। इसी का चेन जिसको जो चाहिए ले लो। ये वही चेन देख। ये चेन, आराम से आराम से। ये चेन तुम्हारे पास कैसे आई? ये चेन कहीं इसका तो नहीं है? एक मिनट के लिए बाहर आएंगे। वो मैं, if you don't mind। भाई ये क्या कर रही है? वो क्या दिख रही है कि लगा हुआ चोट लगा था? मैं फंस गई, मैं मुझे तो शर्म आ रही है। ए बच्चा पार्टी आगे मत करो। आ, उसको भी लगा है? वो मैं कुत्ते के मुंह से हड्डी छीन रहा था, झूठ के बोल रहे हो। ये सही है, रियल छुपते रहोगे। मैं कहाँ छुप रहा हूँ, मैं तो रोज दुकान खोलता हूँ, रस्ते का माल सस्ते में। नाटक मत करो, तुम ही मेरी जान बचाते आए हो, तो मेरे सच को क्यों छुपा रहे हो? लगता है किसी ने इसकी जान बचाई है और इसे ढूंढ रही है। कैसे सामने आता, खुद अपनी पढ़ाई कैसे करूँ? प्यार का मतलब देना होता है। आपकी जान बचाकर मैं क्रेडिट लेने कैसे आता? मैं किराने के सामान का व्यापार करता हूँ, लेकिन जज्बातों का व्यापार नहीं हो सकता। लगता है पट गई। ये लीजिए आपकी चेन, रख लीजिए। थैंक यू, वेलकम यू। मैच नहीं होता। चल जल्दी, सूर्य ढलने से पहले मीनाक्षी को सब समझाना। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य ढलने के बाद मनी जी की बत्ती गुल हो जाती है। तो सूरज देवता की रोशनी से शक्ति मिलती है। मीनू जी, प्यार में फिसल गया। ऐसा लगा मीनाक्षी के साथ कोई जानवर। देखा, उस दिन जिसने मुझे बचाया था मुझे मिल गया। तुम्हारी बात कर रहे हैं? यही है गुणेश्वर राव। गुणेश्वर राव किसमें? हाँ मैंने। क्या तुम्हें यकीन नहीं है? रुको मैं दिखाती हूँ। मैं दिखाता हूँ, देखो देखो देख। तुम भी देख। अंधेरे में भी इसका निशाना चुभता नहीं है। बिल्कुल सही, गुणेश्वर राव जब गुलेल उठाता है ना तो चिड़िया खुद गिर जाती है। सही कहा ना मीनू? चिड़िया को गिराएगा तो देखो। लेकिन गुलेल नहीं लाया। अरे है ना, चलो चलो बोलो। गुनु हो गया। गुनु पर मारो किसको? वो देखो उनारे ले ना। अबे वो बहुत दूर है, हमारा गोद में ले आए। साबुन दे
तेल बेचना अलग बात है और गुलेल चलाना अलग। तो देख इसकी मछली क्या क्या कहीं और मारा रंगा चाचा। क्या था पॉइजन? ये क्या कर रहे थे? और क्या करूं बिटिया, मेरी पूरी फसल लगान के नाम पर उठा ले गए वो लोग। क्या जो बचत की थी वो भी छीन ले गए। पाल घर या कुछ बोल रहे थे वो लोग। वो सब डाकू लुटेरे हैं, ये डर दिखाकर उन्होंने हम सबको गुलाम बना लिया है। अगर हम आवाज उठाएं तो कुश्ती के नाम पे हमारी जान ले लेते हैं। अब मेरी तो इनसे लड़ने की हिम्मत नहीं रही, तो मर जाना ही बेहतर है। लूट रहे लोग तो मुझे लगता है कि अब ये तो कॉमेडी सीन था इसमें काफी सारा, जो भी हमको देखने मिला उसका पावर का कि ट्रेन से भी पकड़ा रहा था, कुछ नहीं हो रहा है। और अच्छा कॉमेडी दिखाया जो भी ये था, प्लस इसका भी दिखाया वो जो गुणेश्वर राव वाला कॉमेडी अच्छा ही था मेरे हिसाब से। आगे का सीन अब वो जो प्रोटेक्टर्स है जो अपने आप को बोल रहे लुटेर लोग जो है उनसे कुछ रिलेटेड हो सकता है। ये भी जो बात हो रहा है कि वो लोग ऐसा जिनको रखे है, मेरे हिसाब से शायद ये पावर जो इसको आया है हनुमंत राव, शायद हमको डिफरेंट हनुमंत राव देखने मिले। क्योंकि एक सीन में और जब मार हो रहा था वो पहले से एंजॉय कर रहा था, खड़ा था वहां पे देख रहा था, शायद इस टाइम कुछ अलग हमको देखने मिले। इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों आगे का सीन, इसमें तो अच्छा कॉमेडी मिला। उसका जो बहन है जो ऐसे उड़ी दरजा खुलते खुलते अच्छा ही था। नहीं बंदर वालों की कॉमेडी अच्छा था, बंदर और कॉमेडी अच्छा था दोस्तों। इंटरेस्टिंग रहेगा आगे का सीन, मुझे लगता है कि और भी कुछ कुछ हमको मणि से रिलेटेड सीन देखने मिलेगा। तो ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय।